Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have completed worksheet 6 of unit 7. Now we will discuss about the worksheet 7. Okay. So, जो कल हमने डिवाइड के क्वेश्चंस किए थे दैट वी हैव टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, हमें एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना था, वो हमने किया. बट आज भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं, बट देर इज अ लिटल डिफरेंस, छोटा सा ही एक डिफरेंस है. देखो कि जो कल हमने डिवाइड वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें जितनी डिजिट्स को डिवाइड करना था वो हमारी एग्जैक्टली डिवाइड हो गई थी, मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया था. ठीक है, वो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे थे. बट जो अब हम करेंगे उसमें हमारी रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती है, मतलब. और आपको पता है डिवीज़न तभी एग्जैक्ट होती है जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो. लेकिन यहाँ अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि जब हम डिवाइड करते हैं हमारी वैल्यू ज़ीरो नहीं बन रही रिमाइंडर में, मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. लाइक वी आर टेकिंग द क्वेश्चन 1, 0.5 डिवाइड बाय 2, हमें 0.5 को 2 से डिवाइड करना है. तो 0.5 हमने अंदर रखा एंड बाहर हमारा 2 आ गया. सो अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर जैसा हमने पहले किया था, फर्स्टली टेक द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड. हम डिविडेंड की सबसे पहले 1 ही डिजिट लेंगे. अब ये 2 से तो स्मॉलर है, मतलब नहीं जा सकती. दैट मीन्स वी हैव टू टेक द नेक्स्ट डिजिट ऑल्सो. तो 0 के साथ हमें 5 को भी लेना पड़ेगा. जैसे ही हमने दो डिजिट एक साथ ले ली, दैट मीन्स वी हैव टू पुट 0 हेयर, हमें यहाँ पे 0 भी पुट करना पड़ेगा. अब जैसे ही आपने ये दो डिजिट एक साथ ली, टू डिजिट एक साथ ली, तो इसमें डेसिमल भी इन्वॉल्व हो गया. तो जैसे ही डेसिमल भी यूज़ हो गया, देन मीन्स यू हैव टू पुट डेसिमल हेयर ऑल्सो. यहाँ तक हो गया. अब देखो हमारे पास डिजिट्स कितने, टू डिजिट्स आ गई ना हमें जो यूज़ करनी है, 0 और 5. 0 5 क्या बनाता है, 5 ही बनाता है. मतलब हमें देखना है कि क्या 2 के टेबल में 5 आता है, हमें ये चेक करना है. 5 नहीं आता, तो 5 से स्मॉलर नंबर जो 2 के टेबल में जाता हो, 4 कितने पे जाता है, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 हम माइनस करेंगे, कितना आ गया, 1. अब देखो जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे वहाँ हमारी रिमाइंडर वैल्यू 0 बच जाती थी. अब आगे डिजिट कोई भी नहीं है ना डिवाइड करने के लिए, जब अगर आगे कोई डिजिट ही नहीं है डिवाइड करने के लिए, मतलब यहीं तक हमारी स्टॉप हो गई. बट यहाँ रिमाइंडर तो 0 नहीं आया ना. बट कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर हमारा कंप्लीट डिवाइड करने पर 0 आ जाता था रिमाइंडर, बट इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आ रहा. तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम क्या करते हैं, देखो क्या होता है. आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी होल नंबर हो, 4, 45, एनी डिजिट्स नंबर, कितने भी डिजिट्स का बड़ा नंबर हो, स्मॉलर नंबर हो, उस कंप्लीट नंबर के अगर हम आगे 0 लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 45 इज सेम एज 045, एज 0045, मतलब होल नंबर के अगर हम आगे कितनी भी जीरोस पुट कर दें कोई डिफरेंस नहीं आता हम. लेकिन इसके पीछे जीरोस नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर 45 के 0 पुट कर दी पीछे हमने, तो दिस इज़ 450. जितनी ज़्यादा जीरोस पुट करते जाएंगे ये नंबर उतना बिगर होता जाएगा. मतलब हम इसके राइट साइड जीरोस नहीं पुट कर सकते, बट लेफ्ट साइड कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ अ डेसिमल नंबर इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है. आपको पता है डेसिमल नंबर, लाइक हम नंबर लें 4.2, हमने ये नंबर लिया. अब डेसिमल नंबर में आपको पता है जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है, दिस इज़ अ होल नंबर, ये तो होल नंबर है. तो होल नंबर के तो आप आगे कितने भी जीरोस लगाओ कोई फ़र्क नहीं है यूजिंग दिस रूल. तो ऐसे ही उसके बाद अब इनके बीच में कहीं कोई जीरोस पुट नहीं कर सकते. उसके बाद इस डिजिट के बाद, ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, जो डेसिमल डिजिट है उसके राइट साइड आप कितनी भी जीरोस पुट कर सकते हो, कितनी भी पुट करो, कोई जितनी आपको यूज़ हो आप उतनी पुट कर सकते हो, जैसा कि हमने लाइक डेसिमल्स के केस में भी किया था. बट इनके अंदर कहीं कोई जीरोस पुट नहीं होती, क्लियर. मतलब डेसिमल जो डिजिट्स होती है, यानी डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होती हैं, उनके बाद आप कितनी भी जीरोस पुट करो कोई डिफरेंस नहीं होता, आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो. तो बाई यूजिंग दिस रूल वी कैन पुट हेयर 0, हम यहाँ 0 0.5 के 5 अब डेसिमल डिजिट है ना, तो यानी इसके बाद हम 0 यूज़ कर सकते हैं. तो हमने एक 0 लगा दी, अब ये 0 हम यहाँ उतार सकते हैं ना. नंबर कितना बन गया, 10. अब क्या 2 के टेबल में 10 जाता है, यस 5 पे जाता है, 2 5 ज़ा 10. 10 में से 10 गया 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कंप्लीट डिवीज़न. अगेन नाउ द नेक्स्ट सी पार्ट, 12.6 डिवाइड बाय 5. 12.6 को हमें 5 से डिवाइड करना है, अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर. बिल्कुल हमें वही सेम प्रोसीजर हमें अपना यूज़ करना है, दैट 12.6 डिवाइड बाय 5. अगेन फर्स्टली टेकिंग द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट डिजिट लिए, दिस इज स्मॉलर देन 5, 5 से छोटी है. दैट मीन्स वी हैव टू टेक द टू डिजिट टुगेदर, दो डिजिट हमें एक साथ ली. जैसे ही हमने दो डिजिट एक साथ ली, वी हैव टू पुट हेयर 0. 0 पुट हो गया. अब नंबर क्या बन गया, 12. क्या 5 के टेबल में 12 जाता है, नहीं जाता. इससे स्मॉलर नंबर 10, 5 टू ज़ा पे जाता है 10. नाउ माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, 0 हो गया. अब नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे,
सिक्स। जैसे ही हमने सिक्स उतारा मतलब डेसिमल यूज़ हो गया ना, डेसिमल डिजिट यूज़ हो गई, तो यहाँ भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या फाइव के टेबल में 26 आता है? नहीं आता। इससे स्मॉलर नंबर 25, फाइव फाइव ज़ा कितना होता है 25, माइनस करेंगे सिक्स में से फाइव गया वन, टू में से टू गया जीरो। बट अभी तो डिवीज़न कम्प्लीट ही नहीं हुई और डिजिट कोई बची ही नहीं है, आगे हम और उतारें कोई डिजिट नहीं है, मतलब डिवीज़न तो हमारी एक तरह से यहीं ख़त्म होगी। तो अब क्या करेंगे, बट रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया ना, दैट मीन्स वी कैन टेक द मोर जीरोज हेयर, और जीरोज लेंगे और वो जीरो हमने यहाँ उतार दी। अब देखो क्या फाइव की टेबल में टेन जाता है? येस, फाइव टू ज़ा टेन, कम्प्लीट चला गया, टेन में से टेन गया जीरो। अगर ये अभी भी रिमाइंडर बच जाता तो हम और भी कितनी भी जीरोज ले सकते थे। ओके, सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। सो यूजिंग दिस सेम रूल यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।